बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करने जा रहे हैं रिमांड एंड इट्स टाइप्स, कि रिमांड क्या होती है और उनके कौन से इकसाम हैं। रिमांड की अगर मीनिंग को देखें, रिमांड का मतलब होता है टू रिटर्न और टू सेंड बैक, यानी वापस भेजना। ठीक है, रिमांड जो है वो दो तरीक़ों की हो सकती है। एक रिमांड भाई वो कि एक एपेक्स कोर्ट है, सुपीरियर कोर्ट है, वो एक केस को भेज दे एक सबऑर्डिनेट कोर्ट में, नीचे वाली कोर्ट में। ठीक है, तो ये भी एक रिमांड है, यानी इन दैट केस सुपीरियर कोर्ट सेंडिंग बैक, रिटर्निंग बैक, रिमांडिंग बैक अ केस टू सबऑर्डिनेट वन। ठीक है, और दूसरी जो हम जो इस लेक्चर में बात करने जा रहे हैं वो ये है कि सेंडिंग बैक ऑफ एन अक्यूज्ड टू द कस्टडी ऑफ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, यानी एक जो मुलजिम है अक्यूज्ड यानी मुलजिम, और दूसरा होता है कन्विक्ट जो मुजरिम। ठीक है, तो मुलजिम यानी वो जिसके अगेंस्ट अभी तक ये प्रूव नहीं हुआ है, तो ये जो मुलजिम को वापस भेजना कॉम्पिटेंट अथॉरिटी की तरफ, दैट इज़ कॉल्ड रिमांड। इसके अब तीन एग्जाम है जो आज इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला पुलिस रिमांड, जिसको फिजिकल रिमांड भी कहा जाता है, दूसरा जुडिशल रिमांड, और तीसरा ट्रांजिट रिमांड। इसके अलावा हम वुमेन की सिचुएशन को भी देखेंगे कि इस केस में क्या हो सकता है। तो शुरू करते हैं सबसे पहले टाइप को। तो दोस्तों अब जो फर्स्ट जो टाइप है दैट इज़ पुलिस रिमांड, या जिसको फिजिकल रिमांड भी कहा जाता है। हमें पता है कि अंडर सेक्शन 61 ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, जब पुलिस ने किसी अक्यूज्ड को अरेस्ट किया है तो विद इन 24 आवर्स दे यानी पुलिस हैव टू प्रोड्यूस दैट अक्यूज्ड बिफोर द मैजिस्ट्रेट, और वो तब जब इन्वेस्टिगेशन पूरी कर दी, पुलिस ने कहा कि द पुलिस सोचती है कि द इन्वेस्टिगेशन इज कम्प्लीटेड, नाउ द ट्रायल मस्ट बी स्टार्टेड। लेकिन क्या होगा कि जब 24 आवर्स तो पूरे हो गए मगर इन्वेस्टिगेशन अभी तक पूरी नहीं हुई, तो क्या फिर भी पुलिस को प्रोड्यूस करना होगा वो एक्यूज बिफोर मैजिस्ट्रेट? आंसर इज येस। 167 जो सेक्शन है वो कहता है कि बिल्कुल फिर भी प्रोड्यूस करना होगा बिफोर मैजिस्ट्रेट, और अगर वहाँ पर पुलिस समझती है कि अभी स्टिल दे आर फर्दर इन्वेस्टिगेशन रिक्वायर्ड, तो फिर पुलिस जो है वो क्या करेगी, एप्लीकेशन देगी, जिसको पर्चा भी कहा जाता है, कहाँ पर, मैजिस्ट्रेट की कोर्ट में, मैजिस्ट्रेट के सामने एप्लीकेशन देगी। एप्लीकेशन में क्या होगी, रिक्वेस्ट होगी। हाँ, रिक्वेस्ट किस चीज़ की होगी, कि हमें फर्दर जो है वो एडिशनल टाइम प्रोवाइड किया जाए कि हम इस अक्यूज्ड से इन्वेस्टिगेट कर सकें, क्या कर सकें, इन्वेस्टिगेशन जो है फर्दर वो कर सकते हैं करें। तो ये मतलब ये सिंपल ये कहना चाह रहे हैं कि पुलिस जो है वो एप्लीकेशन देगी, जिसमें ये होगा कि इस बंदे को, इस अक्यूज्ड को जो है वो फिजिकल रिमांड पर भेजा जाए, जिसको पुलिस रिमांड भी कहा जाता है, जिसमें क्या होगा, इस बंदे को फिर से पुलिस स्टेशन में रखा जाएगा, पुलिस लॉकअप में रखा जाएगा, जो कि मैंने यहाँ पर बनाया हुआ है लॉकअप में, फिर वहाँ पर उससे इन्वेस्टिगेशन भी हो सकती है, जहाँ पर उसको मारा भी जा सकता है, पीटा भी जा सकता है, इन्वेस्टिगेट किए उगलवाना सिंपल। ठीक है, तो ये पुलिस तो ये थोड़ा कुछ टॉर्चरस वन है पुलिस रिमांड, फिजिकल रिमांड जिसको हम कहते हैं। तो ये सूरत हाल होगी, ये सिचुएशन होगी जहाँ पर इस फिजिकल रिमांड को लिया जा सकता है, मगर जब मैजिस्ट्रेट ने ये ऑर्डर कर दिया कि हाँ ठीक है पुलिस रिमांड पर आप इसको ले जाएँ, फिजिकल रिमांड पर इसको आप ले जाएँ, तो फिर मैजिस्ट्रेट जो है वो कॉपी ऑफ ऑर्डर सेंड करेगी सेशंस कोर्ट में और रीजंस देगी कि क्यों मैंने इस अक्यूज को पुलिस रिमांड या फिजिकल रिमांड पर भेजा है। तो दिस इज द फर्स्ट वन, पुलिस रिमांड या फिजिकल रिमांड। ये जो पुलिस रिमांड है या फिजिकल रिमांड, ये 15 डेज के लिए होती है, और लेकिन फर्दर डिपेंड करता है कि मैजिस्ट्रेट ने क्या ऑर्डर किया है, मैजिस्ट्रेट ने अगर एडिशनल टाइम भी प्रोवाइड किया है तो एडिशनल भी हो सकता है। तो दोस्तों अब जो दूसरा टाइप है वो है जुडिशियल रिमांड, या जिसको जुडिशियल कस्टडी भी कहा जाता है, जिसके लिए सेक्शन 344 ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड मौजूद है हमारे पास। जुडिशियल रिमांड में ये होता है कि भाई जब देर इज़ नो फर्दर नीड टू पुलिस कस्टडी, जो कि हमने पहले डिस्कस किया, अगर वहाँ पर उसकी ज़रूरत नहीं है, इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो चुकी है, मगर कोर्ट समझती है कि अक्यूज मस्ट बी इन कस्टडी, ठीक है, तो फिर कोर्ट जो है वो ऑर्डर कर सकती है कि इसको जुडिशियल रिमांड पे लिया जाए। तो उसमें क्या होगा कि उसको जेल अथॉरिटी के पास रिमांड किया जाएगा, ना कि पुलिस स्टेशन में, ठीक है, तो उसको जेल अथॉरिटी के पास, जो कि जुडिशियल कस्टडी है, पुलिस कस्टडी नहीं है, जहाँ पर इन्वेस्टिगेशन नहीं होगी, मारपीट नहीं होगी, टॉर्चर वगैरह उसको नहीं किया जाएगा। आपने देखा होगा भाई, वो वहाँ पर जाते हैं, वो सीख कर आते हैं बहुत सारी चीज़ों को, कंप्यूटर सीख कर आते हैं, क्या क्या चीज़ें, नए नए स्किल सीख कर आते हैं, तो दिस इज़ एक्चुअली जेल कस्टडी, ठीक है। तो पुलिस स्टेशन अलग चीज़ है, पुलिस कस्टडी अलग चीज़ है, जुडिशियल रिमांड अलग चीज़ है, जहाँ पर उसको जेल में रखा जाएगा। ये ऑर्डर मैजिस्ट्रेट भी पास कर सकता है, कोर्ट ऑफ सेशन के सामने अगर केस है तो वो भी, और हाई कोर्ट के सामने केस है तो वो भी पास कर सकते हैं। और तो और जो जेल है इट इज़ टोटली अंडर जुडिशरी, ठीक है।
तो दिस इज सिंपल जुडिशियल रिमांड, दिस इज नॉट पुलिस रिमांड। और जुडिशियल रिमांड में यही फ़र्क है, पुलिस रिमांड में पुलिस स्टेशन, पुलिस की कस्टडी, जुडिशियल रिमांड में जेल की कस्टडी जो कि जुडिशरी के अंडर, जुडिशरी के मैकेनिज्म के अंडर काम करेगी। यानी वहाँ पर जेल के अंदर वो एक जुडिशरी के तरफ से एक अमानत है, ठीक है, जेल ऑफिसर के पास, कौन अक्यूज्ड। दोस्तों जब जो तीसरी एग्जाम है वो है ट्रांजिट रिमांड। ट्रांजिट टर्म का मतलब होता है ऑन अ जर्नी। देखें सेक्शन 61 में देखा हमने कि 24 आवर्स के अंदर जो प्रोड्यूस करना होता है, मगर कभी कभार सिचुएशन इस तरह होती है कि फॉर एग्जांपल भाई ऑफेंस जो है वो कमिट हुआ इस्लामाबाद के अंदर ICT के अंदर, और ऑफेंडर जो है वो कराची में मौजूद है, ठीक है। अब ऑफेंडर को हमने कराची से अरेस्ट किया, 24 आवर्स में कैसे हम ICT के यहाँ पहुँचा सकेंगे उसको मजिस्ट्रेट के सामने। तो इस सिचुएशन में ये सेक्शन जो है वो 85 रीड विद सेक्शन 86 ये बात करते हैं कि आप जो है कराची में जहाँ पर उसको आपने अरेस्ट किया है वहाँ के सुपरिंटेंडेंट या मजिस्ट्रेट के सामने उसको लेकर जाएं, ठीक है। तो फिर वो मजिस्ट्रेट के सामने आप अप्लाई करें, एप्लीकेशन दें, वो मजिस्ट्रेट जो है वो आपकी उस एप्लीकेशन पे ऑर्डर पास कर सकता है, पास करेगा कि इसको ट्रांजिट किया जाए, ट्रांसफ़र किया जाए कहाँ से, इस कराची से ICT की तरफ। तो आपको फर्दर वो टाइम प्रोड्यूस प्रोवाइड कर सकता है 24 से एडिशनल कि आप जो है वो केस जर्नी में आप ये टाइम कंज्यूम यूज़ यूटिलाइज कर सकते हो टू रीच एट ICT इस्लामाबाद कैपिटल। तो ट्रांजिट सिर्फ यही होता है कि सफरी रिमांड जिसको कहा जाता है, एक जगह से दूसरी जगह के यहाँ पहुँचने को, ठीक है। SP की सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस भी कर सकता है 86 में ये बात है, और मजिस्ट्रेट भी इसकी इसको कर सकता है, ठीक है। और इसके लिए जो रिसेंट केस है वो शेख रशीद साहब का केस है कि उनको जो है वो अरेस्ट किया गया इस्लामाबाद में, इस्लामाबाद लोकल कोर्ट के सामने उसको लाया गया, पुलिस ने रिक्वेस्ट की कोर्ट के सामने अप्लाई किया कि इनको जो है वो हमें जो है वो क्या किया जाए कि हमें ट्रांजिट रिमांड दी जाए कि हम शेख रशीद को प्रोड्यूस करें बिफोर मरी कोर्ट के सामने, ठीक है। तो मरी पुलिस ने ये अप्लाई किया इस्लामाबाद लोकल कोर्ट के सामने कि हमें जो है शेख रशीद की जो है वो कस्टडी दी जाए कि हम इसको प्रोड्यूस कर सकें बिफोर मरी कोर्ट, ठीक है। तो ये शेख रशीद का एक सिचुएशन है, अभी रिसेंटली ये केस है। ट्रांजिट रिमांड को ट्रांजिट पुलिस कस्टडी रिमांड भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर पुलिस कस्टडी में दिया जाएगा और फिर पुलिस उसको लेकर जाएगी कहाँ, इस्लामाबाद जो भी सिचुएशन है, मरी जो भी, ठीक है। इसी तरह इससे पहले भी खुर्शीद शाह के मामले में भी ट्रांजिट रिमांड दी गई थी। तो अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, दिस इज सिंपली ट्रांजिट रिमांड। तो सर दिस इज़ द फाइनल टच टू द रिमांड एंड इट्स टाइप्स। अब हम डिस्कस करेंगे कि इन केस ऑफ वुमेन अगर है तो फिर रिमांड के बारे में क्या कहता है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। मगर उससे पहले दोस्तों ये हमारे चैनल है WK प्रोडक्शन को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर भी करें। देखिए दोस्तों अगर रिमांड इन केस ऑफ वुमेन की सिचुएशन है तो 24 आवर्स जब हो गए हैं, प्रोड्यूस कर दिया गया है बिफोर मजिस्ट्रेट, तो अब इस वुमेन को जो है वो पुलिस कस्टडी में नहीं लिया जा सकता, जो कि फर्स्ट टाइप हमने डिस्कस किया उसमें कभी भी इसको नहीं दिया जा सकता, एक्सेप्ट कि अगर मामला कत्ल का हो या जो है वो हो डिकोइटी का, तो उन सिचुएशंस में हो सकता है पुलिस रिमांड या फिजिकल रिमांड इसको कहा जाता है, उसके अलावा नहीं। ये इट्स प्रोवाइडेड इन सेक्शन 167(5) ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। इसको सिर्फ इन केसेस के अलावा ओनली वुमेन कैन बी ब्रॉट इन जुडिशियल कस्टडी, और अगर फिर भी पुलिस को इन्वेस्टिगेशन करना है ये इन केसेस के अलावा, जुडिशियल कस्टडी में वो है वुमेन और उसके बावजूद भी अगर पुलिस को इन्वेस्टिगेट करना है तो फिर इन्वेस्टिगेशन की जाएगी इन प्रेजेंस ऑफ वहाँ का जो जेल ऑफिसर होगा या कोई वुमेन कॉन्स्टेबल, वुमेन ऑफिसर जो भी उनके प्रेजेंस में होगा, वरना नहीं। तो यहाँ पर हमारा टॉपिक खत्म हुआ, खुदा हाफिज़।